हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं एनएम माइक्रो आइडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बनाएंगे एक शानदार रूम हीटर जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इस रूम हीटर को बनाने में पुराने लालटेन का यूज किया गया है जो कि आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूम हीटर बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पुराना लालटेन जो कि आपको कबाड़ी के दुकान पे इजीली मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो लालटेन है मेरे घर पे पहले से पड़ा हुआ था, तो इसी का यूज़ करके मैं बनाने वाला हूँ एक शानदार सुपर डुपर रूम हीटर जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसके अलावा और भी मटेरियल मैं यूज करने वाला हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ एक स्पीकर का फ्रेम जो कि इजीली आपको घर पे मिल जाएगा। और इसका जो मैग्नेट होता है पहले से मैं निकाल लिया हूँ, ठीक है। और स्पीकर जो था वो ख़राब था तो इसी का मैं यूज करने वाला हूँ। अगर आप इस तरह का हीटर बना रहे हो तो इसी तरह का आपको फ्रेम यूज करना होगा। तो अभी इसको रखते हैं साइड में। और इसके साथ चाहिए हमें एक टिन कनेक्टर जो कि फ्री वाला सेट बॉक्स होता है उसी का बॉडी है। अगर आप चाहें तो इसके जगह पर कोई सा भी टिन का चादर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस फ्रेम को हटाएंगे, जो ग्लास वाला फ्रेम होता है इसको पहले अलग कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रिपीट किया गया है। इसको जब हम प्लायर की हेल्प से सीधा करेंगे तो ये फ्रेम इजीली निकल जाएगा। तो चलिए इसको मैं हटा लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेम अलग हो चुका है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको अभी हम अलग रख लेंगे। अब इसके बाद दो स्विच मैं यूज करने वाला हूँ, और जो स्विच है 6 एम्पियर का है, और इससे कम एम्पियर का स्विच इसमें नहीं यूज करना है, नहीं तो स्विच गल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम जगह बनाएंगे। तो चलिए मैं मार्किंग करके यहाँ पे कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं कि ग्राइंडर से कट करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे देखिए मैं 1 इंच का पाइप लिया हूँ, और इसका जो लंबाई है 1 ही इंच का है। तो ऐसा हम पाइप ले रहे हैं जो कि ये वाला पार्ट पाइप के अंदर आ जाए। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए पाइप के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो बस इस लालटेन का काम अभी यहाँ तक ले है, तो इसको अभी रखते हैं साइड में। और इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगाना है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो व्हील है ग्राइंडर का इस तरह से इस पर लग जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साइज के मैं क्या करूँगा, ये जो टीन का चादर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे रख के व्हील को मार्किंग कर लेना है, और इसी के हिसाब से कट कर लेंगे एक सर्कल टाइप, ठीक है। तो चलिए मैं कट कर लेता हूँ मार्किंग करके। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने राउंड सीट को अच्छे से कट कर लिया। तो चलिए स्पीकर के फ्रेम पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लगाता हूँ, आप देख सकते हैं कि फ्रेम पे बिल्कुल सही से सेट हो जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे गैस वेल्डिंग से वेल्डिंग कराना है, और ये वाला जो पाइप हमने कट किया है इसको पीछे के साइड में यहाँ पे लगा के यहाँ पर भी वेल्डिंग करा लेना है, और ये भी गैस वेल्डिंग से वेल्डिंग होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे वेल्डिंग करा के मार्केट से लेकर आता हूँ, आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ कि कौन सा भाई वेल्डिंग किया है, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों वेल्डिंग हो चुका है, और इस वेल्डिंग के लिए दुकान वाले ने मेरे से 30 रुपया चार्ज किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा हीटर का पार्ट बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 होल भी कर लिया है, और ये होल मैंने क्यों किया है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के मार्केट में चिकनी मिट्टी के वाशर आते हैं जो कि हीटर में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक थ्रेड बना होता है जो कि होल में हम लगाएंगे इस तरह से, तो होल में फंस जाएगा और ये वाला थ्रेड बाहर निकल जाएगा। अब इसमें से कोई भी स्क्रूप हम डालते हैं अंदर के साइड में, उसे बॉडी से टच नहीं होने देगा, और ये वाला वाशर इसके ऊपर इस तरह से लग जाएगा। अब इसमें से हम कोई भी सप्लाई देते हैं तो बॉडी से टच नहीं होगा और बॉडी में अर्थिंग नहीं आएगा। ये जो वाशर होता है बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करता है, तो हीटर बनाते हैं तो इसका यूज जरूर करें, ठीक है। तो गाइस इसी के ऊपर हीटर के एलिमेंट को मैं तैयार करूंगा, तो इसके लिए चाहिए इस तरह के रॉड जो कि चिकनी मिट्टी वाला रॉड है, और ये मुझे पर पीस 30 रुपये मिल गया था, हो सकता है आपके यहाँ 40 रुपये मिले, आप पता कर लीजिएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि एक रॉड में से मैं 2 रॉड तैयार करूंगा, तो दोनों रॉड को मैं बीच सेंटर से कट करूंगा जिससे 4 रॉड तैयार हो जाएगा। तो चलिए बीच सेंटर से मैं कट करता हूँ और आपको 4 रॉड बना के दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सभी के सभी वायर बाहर आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ कि फिर दोबारा वापस लपेट देता हूँ, और दूसरे साइड का जो कैप है ये वाला इस साइड में मैं लगा देता हूँ इस तरह से, तो हमारा एक रॉड बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से रॉड को तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से सभी वायर को फिर लपेटना पड़ेगा दोस्तों। तो
देखिए इस तरह से वायर को मैंने लपेट लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये जो छोड़ है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखता हूँ और ये वाला कैप लेता हूँ और इसमें देख सकते हैं छोटा सा होल है, तो इस होल से वायर को मैं बाहर निकालता हूँ। तो इस तरह से निकाल लेना है, हाँ देख सकते हैं इस तरह से वायर बाहर निकल चुका है। अब दोस्तों इस कैप को बैठा देना है अच्छे से, देख सकते हैं कैप अच्छे से बैठ चुका है। अब जो वायर को मैंने निकाला हुआ है इस ग्रुप में इस तरह से लपेट देना है। तो इस तरह से हमारा एक रॉड बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से सभी रॉड को मैंने पहले से बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी के सभी रॉड तैयार हो चुका है। तो चलिए एक एक करके सभी रॉड को इसके ऊपर मैं फिट करता हूँ और इसका कनेक्शन भी करके आपको दिखाता हूँ। अब इसके बाद इस वाला वाशर को लेता हूँ और ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है होल के अंदर इस तरह से डाल लेना है और इसके ऊपर से रॉड को लगा लेना है। ठीक है, रॉड लगाने के बाद वाशर का दूसरा वाला जो पार्ट है फिर से स्क्रू के अंदर डाल लेना है इस तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर जो जॉइंटर हमने डाला हुआ है उसको भी स्क्रू में इस तरह से लगा लेना है और लगाने के बाद इसके ऊपर का जो नट है लगा के टाइट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही काम है और इसको अच्छे से टाइट करना है, थोड़ा सा भी लूज नहीं रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने रॉड को टाइट कर दिया है। अब दूसरा वाला रॉड को लगाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो पहला वाला रॉड है वो दूसरे वाला रॉड से कनेक्टेड रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वायर टाइट हुआ है इस साइड में भी निकला हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा वाला रॉड हम लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं सभी रॉड को मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है और कोई भी रॉड बॉडी से टच नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से मैंने रॉड को टाइट किया है। और इसका कनेक्शन भी एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर के जो दो रॉड है वो इस वायर से कनेक्ट है, यानी कि दोनों रॉड आपस में शॉर्ट है और इधर के सिंगल वायर से कनेक्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीन वायर है और इधर भी हमें कनेक्शन करने होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक रॉड में से हमने दो रॉड बनाया हुआ है, तो फिर सीरीज में कनेक्शन करके एक रॉड बनाएंगे, यानी कि इन दोनों रॉड को आपस में शॉर्ट करेंगे और इधर के दो रॉड को आपस में शॉर्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस पे एक जुगाड़ लगाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्वेस्टर के टुकड़े को मैंने सर्कल शेप में बना लिया है और फ्रेंड मेरे तरफ कटरैन भी बोला जाता है, जो कि सीमेंट वाला कटरैन बोला जाता है और उसी का टुकड़ा है जो सेलिंग पे लगता है। और फ्रेंड इधर मैंने चार ठो होल किया है, बीच वाला जो होल है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस रॉड पे इस तरह से इसको लगा लेना है और इसके ऊपर कनेक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। भाई अच्छे तरह से फिट हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए दो रॉड को मैंने एक साथ में कनेक्ट कर दिया है और इधर के दो रॉड को एक साथ में कनेक्ट कर दिया है। और फ्रेंड इसका कनेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख के इस तरह के एलिमेंट बना सकते हैं। और इसमें एक पावर केबल यूज करना है, तो यहाँ पे मैं एक पावर केबल ले लेता हूँ जो कि 6 एम्पियर का पावर केबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अर्थिंग का वायर है और ये दो मेन वायर है। तो हमें क्या करना है, इस साइड में एक होल करना है, होल करके पावर केबल को अंदर डालना है और एक वायर को ऊपर के साइड से निकालना है और दूसरे वाला वायर को इस साइड से निकाल लेना है। तो चलिए इतना मैं कर लेता हूँ। तो देखिए दोनों वायर को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसके बाद एलिमेंट को मैं लेता हूँ और फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये वाला दो रॉड जिस वायर से कनेक्ट है उस वाला वायर को ब्लू वाला वायर से सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट करके मैंने अच्छे तरह से उस पर स्लिप लगा दिया है जिससे कहीं भी बॉडी में टच नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो दो वायर बच जाता है इसमें क्या करना है, दो वायर का टुकड़ा लेना है और एक एक वायर का टुकड़ा जोड़ के बड़ा कर लेना है। तो चलिए इसमें मैं जल्दी से जोड़ के बड़ा कर लेता हूँ।
तो गाइस दोनों वायर को सोल्डिंग करके मैं इधर से निकाल लिया हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिम से कनेक्शन करना है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को अपने जगह पे फिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको क्या करना है, ऊपर के तरफ खींचना है इस तरह से, और खींचने के बाद एलिमेंट को यहाँ पे इस तरह से लगाना है, और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर डाल लेना है इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से लग जा रहा है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है अच्छे तरह से फिट हो चुका है। और इसके ऊपर अभी जाली लगाना बाकी है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम स्विच का कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह का मैं इंडिकेटर पहले से बना कर रेडी कर लिया हूँ, और ये 3 वोल्ट पे वर्क करता है LED, और इसमें 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एक PVC का टुकड़ा लगा लिया हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होल है ज़्यादा, तो इसे रोकने के लिए मैं इसमें इस तरह का जुगाड़ लगा लिया हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से अंदर के साइड डालता हूँ दोनों वायर को, ठीक है, और इधर से वायर को निकाल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए कि 4 वायर निकला हुआ है, और ये वाला जो वायर आप देख रहे हैं ये मेन वायर है, यानी कि पावर केबल का वायर है, और ये ब्लैक वाला इंडिकेटर का है, और ये जो 2 ब्लू वायर है वो एलिमेंट का है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हर वायर पे मैंने स्लिप पाइप भी डाल रखा है, जिससे बॉडी में कहीं भी टच नहीं होने वाला है, और हमारा जो हीटर है पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो फ्रेंड अब हमें क्या करना है कि ये जो पावर केबल का वायर है और इंडिकेटर का वायर है, इसको आपस में इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है। अब इसको जोड़ने के बाद स्विच को लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 एम्पियर का स्विच मैं ले रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड इस स्विच को कुछ इस टाइप से पकड़ना है, और ये जो पावर केबल का वायर है ये दोनों स्विच के टर्मिनल पे इस तरह से सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। अब इधर सोल्डिंग करने के बाद इधर के 2 टर्मिनल खाली बच जाते हैं, तो इस पर ब्लू वाला वायर को सोल्डिंग कर देना है, एक एक वायर को इस तरह से सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि स्विच का कनेक्शन करके यहाँ पे मैं फिट कर दिया हूँ, और फ्रेंड जो इंडिकेटर था उसके ऊपर जो LED बल्ब का डिफ्यूजर होता है उसमें से कट करके इसके ऊपर एक ग्लास टाइप का मैं बना के चिपका दिया हूँ। और फ्रेंड इस रॉड के लिए यानी कि सेफ्टी के लिए एक हमें जाली भी लेना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप का मैं एक जाली यूज कर रहा हूँ, जो कि आपको हार्डवेयर के दुकान पर मिल जाएगा। और फ्रेंड इसके हिसाब से कट करके मैंने इसको राउंड शेप में घुमा दिया है, इसमें ज़्यादा कारीगरी नहीं है। तो चलिए इस जाली को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जाली भी फिट हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होल दिखाई दे रहा है, इसमें से जाली को यहाँ पे किसी वायर से हम बांध लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे हमारा हीटर बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो चलिए इस हीटर को कलर करके चमका देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा रूम हीटर बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसका जो लुक है क्या जबरदस्त लुक आया हुआ है। आप इस तरह का मार्केट में रूम हीटर खोजने जाओगे तो आपको कहीं भी देखने तक का भी नहीं मिलेगा, और इस रूम हीटर से आपको किसी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा मैं सेफ बनाया हूँ। और फ्रेंड मेरा थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब हो गया है, आप उस चीज़ का इग्नोर करिएगा, क्योंकि आवाज़ मेरा भारी हो चुका है। तो चलिए इसमें सप्लाई देते हैं, और सप्लाई दे के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। प्लग को मैं इंसर्ट कर दिया हूं, अब मैं स्विच को ऑन करता हूं। तो जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं यहां पे देख सकते हैं इंडिकेटर ग्लो करने लगा। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं 2 स्विच लगा हुआ है, अगर हमें कम हीट की जरूरत है तो 1 स्विच ऑन करेंगे, और ज्यादा हीट की जरूरत हो तो हम दोनों स्विच को ऑन करेंगे। तो फिलहाल हम 1 स्विच को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना जल्दी हीट होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रड पूरी तरह से हीट हो चुका है, अगर हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत है तो दूसरा स्विच ऑन कर देंगे। तो चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा भी
स्विच मैं ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों रड अभी हीट हो जाएगा कुछ ही देर में पूरी तरह। और फ्रेंड इस रूमीटर से आपको किसी चीज का खतरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं इसे बहुत ही ज्यादा सेफ बनाया हूँ। मैं आपको टच करके दिखा देता हूँ, आप कहीं भी टच कर सकते हैं, आपको किसी चीज का खतरा नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं रूम हीटर पूरा अच्छे तरह से ग्लो हो चुका है और पूरा हीट यहाँ तक ले दे रहा है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो चार पांच लोग हैं बीच में इसे रख सकते हैं और चार पांच लोग इससे हीट का मजा ले सकते हैं। ये रूम हीटर बहुत ही शानदार रूम हीटर बना हुआ है और इससे आपको किसी चीज का खतरा नहीं है, ठीक है। आप इसे बना सकते हैं और बना के यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं ज्यादा आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप समझ सकते हो कि तबीयत खराब होने के कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।